शुभ प्रभात मित्रों, रोज की तरह हम फिर हाजिर हैं तारत संचार समाचार सार में, जिसमें हम प्रतिदिन सुबह समाचार पत्रों का अवलोकन करके उसका संक्षिप्त सार प्रस्तुत करते हैं। जानते हैं क्या है आज के समाचारों का सार। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के बरी होने का समाचार आज के समाचार पत्रों का मुख्य सार है। मोदी उपनाम की टिप्पणी के संदर्भ पर उन पर आपराधिक मानहानि का एक केस दर्ज हुआ था, जिसके कारण उनकी संसद से उनकी सदस्यता निरस्त कर दी गई थी। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और पिछले 133 दिनों के बाद इस सजा पर रोक लगाई गई है। वैसे भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की पप्पू वाली छवि में सकारात्मक परिवर्तन देखा गया है। सोशल मीडिया में अब राहुल गांधी को टाइगर की संज्ञा दी जा रही है। कुल मिलाकर देश हित में जितना स्थिर सरकार महत्वपूर्ण है, उतना ही लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष के होने का भी देश हित में माना जाता है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि राहुल गांधी अपनी इस बढ़ती साख का कितना लाभ ले पाते हैं। इसके साथ ही ज्ञानव्यापी प्रकरण, मणिपुर में लगातार बिगड़ती स्थिति और दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक पर तूतू मैं में, ये तमाम ऐसे संदर्भ हैं जो आज के समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपे हैं। साथ ही आपसे अनुरोध रहेगा, न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र वाले जो हमारा मीडिया है, इसमें आपके सहयोग की अपेक्षा है। आप इनको खरीदें और पढ़ें, और इनको आप खरीदेंगे पढ़ेंगे तो ये बने रहेंगे बचे रहेंगे, क्योंकि इन्हीं से मीडिया की सार्थकता बची हुई है। बाकी कल तक के लिए आपकी अनुमति चाहते हैं। नमस्कार।